चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज निगेटिव फॉर, देखो डायमैग्नेटिक मटीरियल, पैरामैग्नेटिक मटीरियल और फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है, का ससेप्टेबिलिटी जो होता है जिसको हम साई से डिनोट करते हैं, साई एम से डिनोट करते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है तीनों मटीरियल के लिए। तो डायमैग्नेटिक मटीरियल के लिए ये वैल्यू निगेटिव वन से बड़ी होती है या बराबर होती है और जीरो से छोटी होती है। इस केस में पैरामैग्नेटिक मटीरियल के केस में जीरो से बड़ी होती है और एप्सिलॉन से छोटी होती है। एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है जो पैरामैग्नेटिक मटीरियल की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल की साई की वैल्यू वो एक से बहुत बड़ी होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में होती है या माइनस वन के बराबर होती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, डायमैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।